हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर के यूट्यूब चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से आज हम आपको सिखाएंगे, जहाँ तक हमने कल पढ़ा दिए थे उसी का अगला टॉपिक है, डाइपोल के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। आज हम निरक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे डाइपोल के कारण। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। तो देखिए, डाइपोल के कारण तो हमने सबसे पहले क्या किया, डाइपोल बना लिया। डाइपोल में एक नेगेटिव पॉइंट होता है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, इधर इधर हो गया पॉजिटिव चार्ज। दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, बस उनके साइन अलग होते हैं। इसका मिड पॉइंट ये है और यहाँ पर हमने नाम डाल दिया O। ये टोटल डिस्टेंस 2L होती है, ये हो गई L, ये हो गई L, दो भाग में डिवाइड हो गई। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया B, और इस जगह हमें निकालना है निरक्ष। ये निरक्ष है, निरक्ष का मतलब होता है जो परपेंडिकुलर बाईसेक्टर हो, या ये भी जगह को हम निरक्ष कहेंगे, और यहाँ पर होता तब भी हम निरक्ष कहते। इस जगह को यहाँ अक्ष होता है और यहाँ पर भी अक्ष होता है। तो ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये दोनों अक्ष होते हैं, अक्षपथ होते हैं, ये अक्ष पर होते हैं, और ये वाला पॉइंट और यहाँ पर पॉइंट निरक्ष पे होते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा तो वो यहाँ 90 बनाएगी और ठीक इसका हाफ भी कर रही है। तो परपेंडिकुलर बाईसेक्टर यानी कि लंब और समान भागों में बटे हुए, यानी कि लंब हो और समान दो भागों में जो लाइन बांटती है डाइपोल को, उसको हम निरक्ष कहते हैं। तो यहाँ से हमने एक लाइन ज्वाइन कर ली, ये लाइन ज्वाइन कर ली, इस जगह हमें निकालना है, और ये जो है इसका पॉइंट, हमने ये मिड पॉइंट इसका ओ कर लिया। अब देखिए, इस यहाँ से जो डिस्टेंस है इस सी पॉइंट की, जिस जगह हमें फाइंड करना है, वो दूरी हमने मान ली आर, इस दूरी को आर मान लिया, निरक्ष पर स्थित बिंदु है। अब इस प्लस की वजह से यहाँ टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट मानते हैं, जो कि बहुत वीक होता है टेस्ट चार्ज, तो ये प्लस मानते हैं टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को प्लस मानते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस की वजह से, ये भी प्लस, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर को जाएगा, ये इससे अवे होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये चला गया आपका, ये लाइन आपकी चली गई इस तरह से, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ गया, ये आ गया E1, इसको हमने नाम दे दिया E1। अब बिल्कुल सेम इसका चार्ज की ओर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर नेगेटिव चार्ज है उसका डायरेक्शन उधरी को होगा, तो ये आ गया आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन बन गए, एक तो ये भाई नेगेटिव की वजह से चार्ज की ओर, और पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्डली होता है, ये इनवर्ड होता है। अब दो डायरेक्शन बन गए, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और ये E2, E1 E2 हो गया। ये पॉइंट हमने डाल दिया C, इस डिस्टेंस को हम कैसे निकालें, हमें निकालना ये, अब ये L है, ये R है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक फार्मूला, हम इस ट्रायंगल में ले लेते हैं AOC, तो यहाँ हम लिखा ट्रायंगल AOC में। AOC में ट्रायंगल की क्या खासियत है, यहाँ 90 है, ये भी 90 है, तो 90 होने की वजह से इसमें फार्मूला लग जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह हमें निकालना है, कर्ण हमें निकालना है, लंब हो गया हमारा R, आधार हो गया हमारा L, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहां से हम स्क्वायर हटा दें तो इस पे लग जाएगा रूट, यानी कि ये कर्ण आ गया, ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है ये आ गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ठीक इतनी डिस्टेंस यहां आ गई, क्योंकि दोनों बराबर होंगे,
भाई अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, तो ये दोनों डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बराबर आ गई, क्या आ गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका नाम क्या है, बी सी, और इसका नाम है ए सी, तो हम लेंगे ए सी बराबर बी सी बराबर के, इसी को तो के कहा है कर्ण, माने ये भी जितना बड़ा ए सी होगा उतना ही बड़ा बी सी होगा, तो ये बराबर हो गए, यानी कि बी ए सी की जगह बी सी का यूज़ करेंगे और बी सी की जगह भी इसी का यूज़ करेंगे, या कर्ण भी यही है। अब दोनों के डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका डायरेक्शन इधर है और इस एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इसके हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने इसको मिलाया, आप देखिए ये थीटा है, इस ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये तिरछी लाइन है, तो इस पे अगर ये थीटा बनना है तो ये भी तो थीटा होगा, तो दोनों थीटा होंगे। अब हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट निकाल लिया इस डायरेक्शन में, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ई ई वन कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो आ जाएगा ई वन साइन थीटा, इसी प्रकार से इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो आएगा ई टू कॉस थीटा, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे इसका तो आएगा ई टू साइन थीटा, ये दो आ गए। अब इसका डायरेक्शन ऊपर की साइड है और इसका डायरेक्शन नीचे की साइड है, अब ये देखते हैं क्या ये ई वन ई टू बराबर होंगे, अगर ई वन ई टू बराबर हो गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट होने की वजह से, और ई वन ई टू अगर ये बराबर, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो जाएंगे। अब हम सबसे पहले निकालते हैं माइनस चार्ज की वजह से, माइनस चार्ज के कारण सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चार्ज के कारण सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके डायपोल का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, माइनस से प्लस की ओर कल बताया था, तो ये डायपोल का डायरेक्शन हो गया पी। अब लिखते हैं माइनस चार्ज के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आएगा, के क्यू, फार्मूला होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, माने डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहां से डिस्टेंस कितनी है ये है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पर से रूट हट जाएगा, भाई रूट नहीं आएगा। इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर, बिंदु सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा देखते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो दोनों बराबर आए। अब देखो के क्यू बटे इतना, के क्यू बटे इतना, साइन तो आता नहीं है, वैसे ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो साइन नहीं लिखते, इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन नहीं होता, डायरेक्शन देखते हैं, तो दोनों ही बराबर है। अगर मैं इसे ई वन नाम दे दूं और इसे ई टू नाम दे दूं, तो मेरे पास ई वन ई टू क्या है, दोनों बराबर आए, भाई इसको मैंने ई वन नाम दे दिया, उसको ई टू नाम दे दिया, चूंकि ई वन और ई टू दोनों बराबर हैं, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, इसको हमने क्या मान लिया, ई, तो हम कह सकते हैं कि ई वन बराबर ई टू बराबर ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, भाई ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही भाई दोनों के अपोज हैं, बराबर वैल्यू बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो बराबर और अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण, फिर से सुनिए ध्यान से,
बराबर और अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये आपस में कैंसिल हो गए, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फिर ये बचे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं भाई, इसका भी डायरेक्शन E1 cos थीटा की भी डायरेक्शन इधर ही और E2 cos थीटा का डायरेक्शन भी इधर ही, तो इस वजह से क्या होंगे ये ऐड हो जाएंगे। तो ये जब ऐड हो गए तो टोटल यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो ई नेट निकल के आएगा वो इन दोनों का सम होगा, यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ई नेट जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ लिखा ई नेट बराबर मैं लिख सकता हूँ E1 प्लस E2। अब ये चूंकि बराबर है तो E प्लस E बराबर मैं लिख सकता हूँ 2E। तो यानी कि E नेट मेरे पास आ गया 2 × E। अब 2 ऐसे ही रहा और E अब E1 E2 ये आ गए। अब इनके संग में क्या आ रहा है, इनके संग में कॉज आ रहा है भाई, इनके साथ में E1 कितना है, E1 के साथ में क्या आ रहा है, कॉज आ रहा है, तो E1 अपने साथ क्या लाएगा, कॉज लाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों में ही कॉज आ रहा है, तो हम यहाँ कॉज दिखा सकते हैं, यहाँ क्या दिखा सकते हैं कॉज। तो ये आ जाएगा E1 प्लस E2, यानी कि हम लिख सकते हैं 2, ये दोनों बराबर हैं तो E प्लस E कॉज थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2E कॉज थीटा। तो 2 ऐसी रहा, E का मान क्या है, KQ बटे R² प्लस L², कॉज थीटा की वैल्यू क्या है, कॉज थीटा कैसे निकलेगा, कॉज थीटा यहां से निकलेगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार थीटा ये है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार हो गया एल, कर्ण हो गया ये R² प्लस L² और इस पर रूट रहेगा क्योंकि कर्ण पे स्क्वायर थोड़ी, जब स्क्वायर नहीं होगा तो रूट रहेगा, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे L बाई R² प्लस L² रूट लगा हुआ है, ये हो जाएगा K ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2QL, तो यहाँ लिख देंगे 2QL। ये इस पूरे पे अगर ब्रैकेट लगा दे तो पावर 1 है और ये इसकी पावर हाफ है, तो ये हो गई 3/2, तो R² प्लस L² की पावर 3/2, ये हो गया ई नेट। अब चूंकि यहां पर समझने की बात ये है कि ये जो एल है वो R² के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम यहां लिखेंगे R² इज मच ग्रेटर देन L², तो इसको छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो ई नेट बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ई नेट बराबर हमारा आएगा के। और देखो यहाँ पर समझने की चीज़ एक और भी है कि 2QL जो है वो P बन जाएगा, क्योंकि कल हमने बताया था चूंकि P बराबर क्या होता है, 2QL होता है, ये कल का है, तो ये 2QL की जगह P रख देंगे, तो ये हो जाएगा KP हो गया। अब ये छोड़ देंगे तो R² की पावर 3/2 हो जाएगी, ये छोड़ देंगे इतना हिस्सा, तो R² की पावर हो जाएगी 3/2, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा KP R³, ये हो गया ई नेट। अब ये जो ई नेट निकल के आया, कल जब हमने प्रूव किया था अक्ष पर तो यहाँ 2 आया था, कल वाला जो था वो 2 आया था उसमें, और आज 2 नहीं आया है, इसका मतलब कल वाले रिजल्ट का ये हाफ है, यानी अक्ष वाले में 2 आता है और निरक्ष वाले में 2 नहीं आता है, ये विशेष बात ध्यान रखने की है। यूनिट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन बटे कूलाम ही होगी। दूसरी चीज एक और है कि डाइपोल के जिधर को डाइपोल मूवमेंट है उसका अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्ट मिल रहा है। देखो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन उधर है, डाइपोलिक मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर है, और जबकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, माइनस की तरफ, और जबकि पोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से प्लस की ओर, ये प्लस की ओर जा रहा है, पी प्लस की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, यानी कि डायपोल मूवमेंट के जस्ट अपोजिट, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से पता चला अतः, या अतः ना लिखे, नोट पॉइंट लिखे, इसको नोट लिख दे रहे हैं, ये बड़ा अच्छा नोट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसको, क्या है ये नोट पॉइंट,
कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता तो ये आज का टॉपिक है हमारा बहुत ध्यान रखने का, यानी कि हमने अक्ष पर भी देख लिया करके और निरक्ष पर भी देख लिया, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। आप दोनों डेरिवेशन को बढ़िया करके करेंगे क्योंकि इन डेरिवेशन से ही सवाल होते हैं फिजिक्स के अंदर। जब तक डेरिवेशन नहीं आएंगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने डेरिवेशन कराया था उस डेरिवेशन पे हमें क्वेश्चन करा रहा है ताकि आपके वो डेरिवेशन और समझ में आ जाए और समझ जाए आपके उसका यूज़ कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, एक डाइपोल जिसके सिरों का आवेश -3 + 3 माइक्रोकुलम है तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर है, इस डायपोल से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित निरक्ष पर स्थित इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। 5 सेंटीमीटर दूर पॉइंट है तो देखो डायपोल बना लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये -3 माइक्रोकूलम में तो लिख दो, एक +3 माइक्रोकूलम में तो लिख दो, इसके मिड पॉइंट से कितनी दूर जाना है, 5 सेंटीमीटर दूर जाना है, कितनी दूर जाना है, 5, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा ये इस डायपोल की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल 2 सेंटीमीटर हो गई, तो 1 सेंटीमीटर इधर हो गई और एक इधर हो गई, एक एक हो गई। अच्छा निरक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बताना है तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ जाएगा एक, और एक डायरेक्शन इसका इधर को चला जाएगा, तो ठीक वैसे ही चित्र बन गया। दोनों इधर को आए थे, इसका कंपोनेंट भी इधर आया था, इसका कंपोनेंट भी इधर आया था, एक इधर को कंपोनेंट आएगा, एक इधर को आएगा, ये दोनों कैंसिल कर देंगे अभी की तरह, और एक ये थीटा है, ये अगर थीटा है तो अभी हमने बताया था ये भी थीटा होगा, तो देखिए चित्र भी वैसे ही बन गया क्योंकि उसी डेरिवेशन पर आधारित है। इसको हमने ओ कह दिया, इसे ए कह दिया, इसे बी कह दिया। अब हमने क्या फार्मूला प्रूव किया था, फार्मूला प्रूव किया था ई नेट बराबर, हमने फार्मूला किया था प्रूव के क्यू बटे आर क्यूब, क्यूब में पी के पी था, तो अब हम क्या करें पी हम पहले ही निकाल ले रहे हैं। तो देखिए पी बराबर हमने क्या बताया था, क्यू 12, तो क्यू कितना है, क्यू है 3 माइक्रो कूलाम, तो 3 ऐसे ही रहा, माइक्रो है तो 10^-6 आ जाएगा, माइक्रो में 10^-6 लगाते हैं, और एल कितना है, 2L कितना है, टोटल 2L है, 2 सेंटीमीटर तो 2 रख देंगे, और बटे में कितना लिखेंगे 100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और 10^ कितनी हो जाएगी, 6, ये 2 ये आ रही है तो 8 हो जाएगी, तो ये पी निकल आया, पी निकल के आया हमारा भाई कितना आया, पी 3 × 2 = 6 ये आ गया, और क्या होता है इसका कूलाम इंटू मीटर। अब इस वैल्यू को हम वहां रख देंगे, के का मान फिक्स है, के का मान होता है 9 × 10^9, और पी का मान ये आ गया 6 × 10^8, तो हमने लिख दिया 6 × 10^8, और आर कितना है, आर ये 5 सेंटीमीटर है, तो अब इसको कैसे लिखें, तो इसको लिखेंगे 5/100, फिर लिखेंगे 5/100, फिर लिखेंगे 5/100। अब ये देखिए इनकी गुणा कर लेंगे, ये 9 इनकी भी गुणा होगी और इनकी भी गुणा होगी, तो 9 × 6 = 54 हो गया, 54, ये 5 × 25 = 125 हो गए, 10^ कितनी आ गई, ये देखो 1 बची, ये सब ऊपर जाएंगे, 2, 4, 6 ये ऊपर जाएंगे, भाई जो 6 है ये ऊपर चली जाएगी, तो कितना आ गया, ये 10^1 बची, तो 1 लिख दो, 1 बची, और ये 2, 4, 6 और आ रहे हैं, ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 6+ के हो जाएंगे, तो ये होगा 54/125 × 10^7 ई नेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया न्यूटन/कूलाम, ये आंसर आ गया। तो देखा आपने कितना आसान है, अगर यही यही अक्ष के लिए होता,
जैसे ये निरक्ष है, अगर यही अक्ष के लिए होता तो इसका डबल दो से और मल्टीप्लाई कर देते। अब आप कहोगे सर निरक्ष में दो से मल्टीप्लाई क्यों करते, इतनी जल्दी हो जाता निरक्ष, उसमें दो ही तो आया था कल, तो कल वाले डेरिवेशन में यहाँ दो होता है, इसमें दो नहीं होता है, तो इसका मतलब इसमें 54 आया है, तो उसमें कितना आएगा, 54 का डबल 108 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने कल अक्ष का भी कराया था, आज हमने निरक्ष का करा दिया। तो इस तरह से आप दोनों डेरिवेशन पे आधारित सवालों को कर सकते हैं, और ऐसे कितने भी न्यूमेरिकल हों, एक नहीं 100 हों, 50 हों, आप सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट ये डेरिवेशन पर आधारित हमने आपको बताया है।